चलो एक काम करो, क्या ग्रुप में मैसेज डलवा दो, ग्रुप्स में क्या गई क्या ग्रुप में? चलो ठीक है, हो गया क्या भैया खा के? हाँ क्या लेंगे बेटा? चलो बेटा हीरो, अरे रुद्र बैठ रहा क्लास में, ठीक है बाय। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को आ जाने दो, ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रहा है, काहे मैच नहीं हो रहा है बेटा, ऐसा काहे हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऑडियो अलग वीडियो अलग, ये तो तकलीफ हो जाएगा ना, है कि नहीं? पता चले गाना डाल दिया बैकग्राउंड में। बेटा देखो मैं ना बहुत खराब आदमी हूं, तो मैं ना बीच बीच में छूट जाता, तो मेरे को रोक लेना, क्योंकि यही बच्चे फिर क्लिप काट काट के यूट्यूब पे डालेंगे। मेरा तो क्या है, मैं तो नया हूं, मैं तो बोल भी सकता, ठीक है ना, ही मेरे को इंस्टीट्यूट से लेटर आएगा। चलो भाई एक बार बता दो, अबे क्या माता की चौकी में आएंगे? चौकी बोला बेटा। कितने बच्चे हो जो पहले से क्लास कर रहे हो, मतलब जो ऑलरेडी कर चुके हो? मैं शक्ल से पहचानता हूं, फिर भी तू कसम से बोल दू कितने बार आया था आज से पहले? हाँ अरे तू ही ब्लैक टी शर्ट हैंडसम फेस। हाँ अच्छा, तुम हैंडसम के लिए खुश हुए कि तुमने दोनों वर्ड्स को अलग अलग किया? ठीक है हाँ, आया था क्या आज के पहले? कब आया था? मैं इतनी अच्छी शक्ल को भूल ही नहीं सकता। अब से रोज आने का। कितने बच्चे जो नए हैं, फर्स्ट टाइम? अरे दिमाग की बात नहीं चल रही बेटा, शारीरिक रूप से बात चल रही है। मानसिक रूप से तो बेटा मेरे को भरोसा है, पुराने चैप्टर्स भी मैं पढ़ाऊंगा तो तुम ऐसा ही रिप्लाई दोगे कि फर्स्ट टाइम आयो। चलो भाई, सर आशीष सर रिटायर हो गए क्या? नहीं बेटा आशीष सर रिटायर नहीं हुए, बस क्या हो गया, बस सचिन तेंदुलकर ने लेगेसी विराट कोहली को फॉरवर्ड कर दिया, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है मैं भी करूंगा, 1000 बच्चे आएंगे मैं भी ऐसा कर दूंगा, बस ठीक है। क्या बुलाते हैं? बुलाते हैं सर को, बुलाते हैं, ठीक है क्या? चलो शुरुआत करेंगे। अब देखो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले बेटा? आपने सब्जेक्ट का नाम पता है क्या? सब्जेक्ट का नाम पढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लो, ठीक है? मैं कौन हूं बेटा? सीए मोहित। अरे पूरा बोलो, डिग्री के लिए मेहनत करिए, बोलो मेरा नाम क्या है? सीए मोहित रोहरा, ठीक है। अरे क्या बस ये वर्ड को मन में मत बोलना, गाली जैसा लगेगा, ठीक है? चलो समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखो, अपना जो सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है, सारे बच्चे न्यू सिलेबस वाले हो ना? कोई भी बच्चा एमसीक्यू वाला तो नहीं है? कोई भी बच्चा जय माता दी वाला तो नहीं है ना? मतलब अपने को पेपर भर के पास करना है, ठीक है? आप न्यू सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में कितने पेपर है, सेकंड ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप के जो चार सब्जेक्ट है उसमें चौथा पेपर कौन सा है बेटा? सीएएफएम का। फिर से इस पेपर के दो टुकड़े, पहला है फुल फॉर्म कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेकंड है एफएम दैट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो हाय, है ना? मतलब इन शॉर्ट ये दोनों लगभग हिसाब किताब के आसपास के हो गए या अकाउंट्स हो गए। अब सीधा मेरे को एक बोलो कि जब आप लोग सीएस में आए थे तो
तो हर किसी का होता है ना यार, मेरा ये स्ट्रांग पॉइंट है, मुझे ये करना चाहिए। तो जनरली देखा जाता है कि जिसका अकाउंट्स वगैरह स्ट्रांग होता है वो सीए करता है, सीएमए करता है, और जिसका थियोरेटिकल पार्ट अच्छा होता है, जैसे कि आप कह सकते हो सर मेरे को ओसी पसंद है, मेरे को एसपी पसंद है, तो वो बच्चे किस में आते हैं? सीएस में आते हैं। तो क्या सारे बच्चे ऐसे ही है जिनको लगभग थियरी पसंद है और प्रैक्टिकल का कहीं ना कहीं मन में डर है? बोलो हाँ है ना। अब मैं क्या चिल्लाऊंगा वी कैन वी विल बाउंस बैक? नहीं ना, ऐसे ही जवाब देने का, ठीक है? फिर तुम मेरे को ही बोलोगे सर फालतू के कोर्स बेचते आप, ठीक है? मेरा बेटा एमएलएम स्कीम नहीं है ना, मैं नहीं बोलूंगा तुमको जाके बेचो, ठीक है? हाँ 25% दूंगा। अब ध्यान से सुनो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, क्या कहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ होता है? तो बस मैं आपका डर खत्म करने आया हूं बेटा, समझ में आया क्या? अब ये जो अपना सी एफ एम का पेपर है, पूरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर आएगा। 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल पेपर में से जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स वाला पार्ट है कितने मार्क्स का आएगा? कितने बेटा? 60 मार्क्स के लिए। और एफ एम कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स के लिए। मतलब सर ये जो 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, क्या इसमें हमको अच्छा खासा मेहनत करना है? बेटा अच्छी खासी मेहनत करेगा ये सब्जेक्ट, बिकॉज पहले तो बेटा अपना प्रैक्टिकल में हाथ तंग, मन इतना लगता है नहीं, और सिलेबस देखा जाए तो 40 मार्क के लिए अच्छा खासा सिलेबस है, तो उसके लिए अपने को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या? एफएम सब्जेक्ट जो है, सीधी बात है, नाम देख के क्या लग रहा है, आज अपने एक्चुअल में चैप्टर डिस्कशन स्टार्ट नहीं करेंगे। काफी सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, काफी सारे बच्चे जो आज नए हैं। अब सीधी बात है बेटा, अबे नहीं नहीं बेटा गाना नहीं गाता हूं, ठीक है? क्या बेटा रील का मत बोलो, पहले ही माहौल गर्म है बेटा, रील की तो बात करो ही मत, ठीक है? क्या बोले बेटा जी? हाँ क्या चीटिंग बेटा, तुमको बोला है माहौल गर्म है अभी। सर कस्टमर सर्विस आई ट्राइड 7 times, यूनिक अकेडमी इज नॉट कॉलिंग। बेटा मेरे नंबर पे कॉल करो, अगर किसी ने कॉल नहीं उठाया पैसा वापस, ठीक है? सर हर्ष साहब बोल रहे हैं अब तो मजा आएगा। नहीं बेटा मैं नहीं दे पाऊंगा आपको मजा इतना। बेटा जिसी ने भी डांस लिखा कमेंट में, मैंने गाली दे देनी है क्या? वो तो ऐसा है कि तुम्हारे जैसे लक्षण है उसके हिसाब से गाली, कस्टमाइज गाली होती है। तुम्ही को मैं ऑप्शन दूंगा बेटा कि एक रिश्तेदार को चूज करो और एक बॉडी पार्ट को चूज करो, फिर दोनों को मिलाकर एक गाली बना के दूंगा। नहीं नहीं तुम वैसा बोलोगे फिर मैं, ठीक है चलो भाई। अब आज अपने को एक्चुअल में चैप्टर डिस्कशन स्टार्ट करना है क्या? नहीं, आज अपने को सिलेबस डिस्कशन करना है, ठीक है? कि अपने को सर जी सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो बड़ा किताब लेकर आए हो क्या? नहीं पक्का? कोई है जो ऐसा पुरानी किताब के बैक साइड पे लिखने वाला है? मैं बैक साइड लाल कर दूंगा बेटा अगर पुरानी किताब के बैक साइड पे लिखा तो। नई किताब बनाओगे, ठीक है? क्या मॉड्यूल? ओए रजिस्टर ओपन करो बेटा, लेकर आयो कि नहीं लेके आयो? बोलो हाँ है ना। काहे तुमको क्या लगा तुम मेरे शादी में आयो क्या? हाँ कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। सबसे पहले तो तुम सबको इंस्टाग्राम से मेरे ब्लॉक करूंगा मैं भाई। आजकल इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स को लेके आना भी ऐसा होगा, लड़के जो दिना जीना मुश्किल करते, तुम इंस्टा तो तुम स्टोरी डालो बच्चे, मैडम मैडम मैडम, अरे मैडम नहीं है वो, बच्चे भी इतने खराब है, तुम 4 अलग अलग स्टोरी डालो, मैडम 1 मैडम 2 मैडम 3। जब से एनिमल देख के आए लोगों का दिमाग ही खराब हो गए क्या? हाँ भाभी 1 भाभी 2 दिमाग खराब हो गए रे लोगों का। मैं बहुत सज्जन इंसान हूं, ठीक है? मतलब तुम ऐसा हाँ बोल रहे या हाँ ऐसा वाला हाँ बोल रहे? समझदार तो हो तुम लोग,
क्या देख रहे थे? अरे बेटा वो तो ऐसा है कि मना नहीं कर पाए इसके लिए चले गए। क्या चलो करेंगे क्या शुरू फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अब हो सकता है आज का लेक्चर जो बच्चे पहले से बैच में है उनको ऐसा लगे कि सुना सुना लग रहा है, ठीक है? सुना सुना नहीं, क्या बोल रहा हूं बेटा? सुना सुना। लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं वो भी जवाब देंगे, और पुराने बच्चे वो तो तुम ऐसा चिल्लाओ, मतलब YouTube वाले को बच्चों को लगना चाहिए क्या ही दे दिया है ज्ञान। मतलब ऐसा हो नहीं आता क्या? वी कैन वी विल बाउंस बैक, वैसी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? क्या चलो भाई करेंगे क्या शुरू? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप मेरे को बोलो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, ठीक है, कौन होता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी। जब वो किसी कंपनी में जाता है तो उसका प्राइमरी रोल क्या होता है? उसको क्यों जॉब दी जाती है? कंप्लायंस के लिए। बिकॉज कंपनी एक्ट में इतना बड़ा एक्ट बना दिया है, उसके बाद इतने सारे रूल्स ला लिए, इतने सारे प्रोविजंस ला लिए, और हम तो न जाने कंपनी एक्ट के भी अलावा कितने कितने एक्ट पढ़ते हैं, बोलो हाँ है ना? ईडी लेवल पर पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ते हैं, फाइनल लेवल पर पढ़ते हैं, फिर प्रोफेशनल लेवल पर काफी सारे एक्सम पढ़ते हैं, बोलो हाँ है ना? अब वो तो आ गया बेटा कंप्लायंस वाली पार्ट। आप मेरे को बताओ, अगर आप कंपनी में कंप्लायंस लेवल पर जा रहे हो तो जब आप कंपनी का सिर्फ कंप्लायंस करते हो ना, तो कंपनी ना आपको ऐसा खर्चा देखता है। खर्चा मतलब क्या? कंपनी बोलता है ये कंप्लायंस तो करवाना ही है। क्या कोई भी आदमी कंप्लायंस अपनी खुद की इच्छा से करवाता है क्या? नहीं। अगर कल जाके सरकार बोले कि ये जो कंप्लायंस है, ये जो फॉर्म भरना है, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये कंपलसरी नहीं ऑप्शनल है, कोई करेगा क्या? नहीं। मतलब क्या आप बोल सकते हो कि करना ही पड़ता है इसके लिए सब लोग कंप्लायंस करते हैं? एंड जो कि कंप्लायंस सबको करना ही पड़ता है, इसीलिए जो भी सीएस होते हैं ना, लोग इसको एज अ कॉस्ट सेंटर देखते हैं। कॉस्ट सेंटर मतलब लोग बोलते हैं यार कि इसका तो बस खर्चा लगना है, सरकार ने बोल के रखा है इसके लिए करना है, बाकी हमारी कोई खासी इच्छा है नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसे सीएस बनते हो जिसको कंपनीज एक्ट तो आता है लेकिन जिसको फाइनेंस की भी नॉलेज है, तो आप उसी कंपनी में कंप्लायंस भी देखोगे। लेकिन वो बंदा जिसको अकाउंटिंग आती है, वो बंदा जिसको फाइनेंस आता है ना, वो कंपनी के टॉप अथॉरिटी पे जा सकता है। बिकॉज सीधी बात है, कंप्लायंस करना कंपनी की जरूरत नहीं है, वो तो सर करना है इसके लिए करना है, लेकिन सर फाइनेंशियली ग्रो करना, प्रॉफिट कमा के लेकर आना, शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाना, डिविडेंड बांटना, इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करना, क्या ये सर कंप्लायंस है कि ये तो हमारी इच्छा है? अगर कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर होल्डर्स भी कमाएंगे, अगर कंपनी अच्छा करेगी तो एम्प्लॉयज भी कमाएंगे, अगर कंपनी अच्छा करेगी क्या सरकार भी टैक्स कमाएगा? यस। तो इन शॉर्ट इकोनॉमी का उद्धार होगा ना, बोलो हाँ है ना? तो अगर आपको एफएम आता है, बच्चे बोलते हैं सर हम लॉ सीखने आए हैं, हमको लॉ सिखाओ, हमको एफएम क्यों सिखाया जा रहा है? आपको एफएम इसीलिए सिखाया जा रहा है बेटा, बिकॉज आज के तारीख में आप कोई भी डिसीजन लेते हो क्या वहां पर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से करना ही पड़ता है डिसीजन मेकिंग? अब जब हम लोग सीएस में आए थे पहले, तो पैसे के बारे में सोचा था कि नहीं सोचा था? कितने बच्चे ऐसे एकदम ऐसे सरल बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं हम ना सर, हम तो नॉलेज के लिए आए, हम पैसे के लिए नहीं आए। कोई है क्या बेटा जो नॉलेज के लिए कर रहे हैं? मैं तुमको क्लास पढ़ा रहा, बोलो समाज सेवा के लिए पढ़ा रहा क्या? कल से अगर आशीष सर आगे बोले मोहित जी बोलते हो, नहीं नहीं टाटा बाय बाय नहीं, ठीक है, आशीष सर आगे बोलेंगे मोहित जी काहे पैसा लेते हो, इतने सारे बच्चों की दुआएं लग रही है, दुआओं से अपना पेट पाल लो। बोलो क्या मैं दुआओं से अपना पेट पाल पाऊंगा? नहीं मेरे को, अरे नहीं, हाँ क्या बोल रहे? नहीं रे उल्टा तुम चार दिन में क्या? अरे बेटा मेरा तो पल जाएगा, दूसरे का नहीं पलेगा ना, और हो सकता है उसके अंदर और एक जान हो तो दोनों ही नहीं पल पाएगा। क्या मैं जान ले लूंगा? वो तो मैं बोल रहा जान, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या हमको फाइनेंस भी समझना बहुत जरूरी है? बोलो हाँ है ना। अब फाइनेंस बड़ा दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब मैं पैसा कितना कमा रहा हूं, मैं पैसा कहां पर खर्च कर रहा हूं, मैं पैसा किस पर खर्च कर रहा हूं, जिस पर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं। अब जैसे हो सकता है एक ही इंसान है, लेकिन एक ही इंसान पे पैसा खर्च करना किसी टाइम के लिए लगे कि इन्वेस्टमेंट है, और किसी टाइम के लिए लगे कि लाइबिलिटी है, बोलो हाँ है ना? होता है कि नहीं? ठीक है, जिसको कनेक्ट हो रहा है कनेक्ट करो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फाइनेंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब मैं कहां से कमा रहा हूं, मैं कितना पैसा कहां पर लगा रहा हूं,
शेयर्स में कितना लगा रहा हूं, रियल एस्टेट में कितना लगा रहा हूं, खर्चे के लिए कितना लेकर जा रहा हूं, ये क्या हो गया बेटा? पर्सनल फाइनेंस। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको पर्सनल फाइनेंस सीखना है? द आंसर इज नो। पर्सनल फाइनेंस सीखने का बेटा यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते ना, देखा होगा ना, फाइनेंस विद शरण, ये सारे आते हैं ना, वो बेटा आपको पर्सनल फाइनेंस सिखाते। अभी हमको जो सीखना है दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या सीखना है बेटा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब एक जो कंपनी होती है, कल जाकर अगर कंपनी को ग्रो करना है तो क्या कंपनी को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करना पड़ेगा? बोलो हाँ, है ना। और अगर किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करना है तो कंपनी को काफी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं डे टू डे बेसिस पर। अब जैसे कि आप मुझे बताओ, आशीष सर इतना बड़ा यूनिक अकेडमी एज एन ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्या हर चीज के लिए हमको फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है? जैसे कि आप हमको एक बताओ, कुछ समय पहले सीएमए यूएस लॉन्च किया था हमने, एडवर्टीजमेंट रुकना नहीं चाहिए बेटा बीच लेक्चर में भी। कुछ टाइम पहले सीएमए यूएस लॉन्च किया था, बोलो हाँ, है ना। अब उसका हयात में प्रोग्राम करवाया था, खर्चा लगाऊंगा कि नहीं बेटा? फाइव स्टार होटल है वो, उधर प्रोग्राम करवाना, उधर इतने सारे लोगों का खाना अरेंज करवाना, पैसा लगाओगा कि नहीं लगाओगा? अब ये प्रोग्राम होके 2 महीने हो चुके हैं, बैच हमारा अभी लॉन्च होने वाला है, जो बच्चों के एडमिशन आएंगे अभी आएंगे। अब आज से 2 महीने पहले हयात में प्रोग्राम करवाना है या नहीं करवाना? लेट अस टेक एन एग्जांपल, 10 लाख खर्चा आया, ठीक है, कितना आया? 10 लाख। अब ये 10 लाख लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? क्या ये ऐसे ही आंख बंद करके आशीष सर ने डिसीजन ले लिया होगा, या फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए आशीष सर ने डिसीजन लिया होगा? तो क्या एंटिटी चलाने में फाइनेंस बहुत ज्यादा काम आया? यस। अब ये क्लासरूम है, बोलो हाँ, है ना। अब ये क्लासरूम में बैठने की कैपेसिटी कितनी है? 200 बच्चों की। कितनी कैपेसिटी है? 200 बच्चों की। अब आशीष सर को एक डिसीजन लेना है कि 200 बच्चों की क्लास, क्या मैं इसको रेंट पर ले लूं या मैं इस 200 बच्चों की क्लास को खरीद लूं? अरे खरीद लो मतलब तुम पैसे थोड़ी दे रहे, मैं पूछ नहीं रहा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा। आशीष सर को सोचना पड़ेगा कि ये जो 200 बच्चों की बैच है, क्या मैं इसके लिए क्लास रेंट पे लूं या खरीद लूं? क्या क्या फायदा होगा बेटा खरीद लेंगे तो? सर खरीद लेंगे तो अपना मालिकाना हक आ जाएगा, बोलो हाँ, है ना। लेकिन एक डिसएडवांटेज बताऊ क्या? अब तुमको पता है अपना FM बवाल है, बोलो हाँ, है ना। ये बैच में 200 बच्चे, अगले बैच में कितने एडमिशन, बोलो? अबे मैंने मुक्के मारने, 500। कितने हो गए बेटा? 500। अब क्या इधर गोद में बिठाएंगे बच्चों को? अरे लड़के तो एक बार कहा बोल भी देंगे। ध्यान से सुनो, क्या गोद में बिठाएंगे कि अलग अलग बिठाना पड़ेगा? ये क्लास तो यूजलेस हो गई। फिर इधर क्या करेंगे? बादल बरसा बिजली करेंगे? अब ध्यान से देखो, तो क्या इसको भी डिसीजन मेकिंग में आएगा? बोलो हाँ, है ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या ये भी फाइनेंस का पार्ट हो गया? यस। ना एज यू मे बी नोइंग, सो वी आर लॉन्चिंग लेक्चर्स इन इंग्लिश ऑल्सो, एज यू मे बी नोइंग, बोलो यस और नो। रील देखा कि नहीं देखा? देखा रील में मैं, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा तो ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी हम लोग इंग्लिश में लेक्चर स्टार्ट करेगा तो हमको साउथ इंडिया में जाना है, बोलो आए ना। अब सीधी बात है, साउथ इंडिया में लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमको फ्रेंचाइजी ओपन करना है। क्या ओपन करना है? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में ऑफिस लेना पड़ेगा क्या? फ्रेंचाइजी में एक आदमी को बिठाना पड़ेगा क्या? सर फ्रेंचाइजी में लेक्चर्स का एक्सेस देना पड़ेगा क्या? अब फ्रेंचाइजी वाला भी हमसे कुछ पैसा लेगा कि समाज सेवा करेगा? पैसा लेगा? अरे बेटा सब मेरे जैसे समाज सेवा नहीं करते, कुछ लोग पैसे भी लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो फ्रेंचाइजी वाला है क्या वो भी पैसे लेगा? अब हमको हमको इंग्लिश में लेक्चर स्टार्ट करने हैं कि नहीं करने हैं, क्या उसके लिए भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेना पड़ता है? मतलब इन शॉर्ट, जिंदगी में हर छोटे से बड़े से लेकर हर बड़े डिसीजन में, पर्सनल लाइफ की बात करो या प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, आपको फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और फाइनेंस को कैसे संभालना है, कहां से पैसा लेकर आना है, कहां पे पैसा लगाना है, जिस पैसे को लगाया उस पे से कितना रिटर्न कमाना है, ये पूरा का पूरा हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है बेटा? FM ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, बोलो हाँ, है ना। अब FM की अगर बात करोगे, एग्जाम वेटेज कितना है बेटा? 40 मार्क्स। 40 मार्क का है, लेकिन सीधी बात है, क्या हम लोग इस सब्जेक्ट को हल्के में ले सकते हैं क्या? बिकॉज FM हल्के में ले लिया, क्या 60 में से 40 लेके आ सकोगे क्या? नहीं। मतलब FM करना है अच्छा है। और सीधी बात, जिस बच्चे ने मन से ये डर निकाल दिया,
सबको प्री कंसीव्ड नोशन होता है एफएम हार्ड है, एफएम हार्ड है, एफएम हार्ड है, नहीं है बेटा एफएम हार्ड। जो बच्चों ने एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा वाला बेटा? अब मैं ही खुद की तारीफ करवाता हूं, रुको बाकी बच्चे करे ना करे। अपन ने एक कौन सा चैप्टर देखा है बेटा ओल्ड वाले बच्चों? ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बोलो हाँ है ना। अब वो चैप्टर हमने देखा, उसके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करे, उसका एग्जाम का क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लिया, लगेगा कहीं पे हार्ड? नहीं लगाना हार्ड। अब यही बच्चों को बोलो तो बच्चों के मन में डर होता है। सबसे पहले ये जो दिमाग में बात है एफएम हार्ड है, एफएम हार्ड है, एफएम हार्ड है, एफएम हार्ड नहीं है। क्या बहुत इजी है बोलने का बड़ा? क्या बोलने का? जैसे अपन मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं क्या? बोलो आसान है, आसान है, बैठ जाओ। कभी देखा है, कभी सोचा है? कितने बच्चे मानते हैं कि मैं एफएम का बहुत अच्छा टीचर हूं? ऑलमोस्ट सारे। कितने बच्चों को लगता है कि यूनिक एकेडमी वाले फालतू का गाना गाना और डांस करते हैं? कोई भी नहीं। चलो समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, एफएम 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो, एफएम जो सब्जेक्ट है इसका अल्टीमेट मोटिव क्या है बेटा? ये लाइन याद रख लो, ये लाइन का बेटा टैटू करवा लो। एफएम का अल्टीमेट पर्पस क्या है? सारे बच्चे साथ में बोलोगे, आवेश नए वालों को पढ़ाने दो। एफएम का अल्टीमेट पर्पस, एफएम क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का देता है? हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, बोलो हाँ है ना। एफएम का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है बेटा? हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। सारे बच्चे बोलोगे, जब भी मैं एफएम पढ़ रहा हूं पूरे एफएम में हर चैप्टर मुझे बस एक ही सवाल का जवाब देता है, दैट इज हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। सबसे पहले शेयर होल्डर बोलो कौन होता है बेटा? जिसने कंपनी में पैसा लगाया, बोलो हाँ है ना। अब आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, आपकी उस कंपनी से क्या उम्मीदें होती है बेटा? बोलो क्या सर? डिविडेंड की उम्मीद होती है क्या? मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो क्या कंपनी मुझे डिविडेंड देगी? और अगर कंपनी घाटा करेगी तो क्या कंपनी मुझे डिविडेंड देगी कि नहीं देगी? मतलब कंपनी मुझे डिविडेंड देगी कि नहीं देगी विल दैट डिपेंड अपॉन कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, बोलो हाँ है ना। मतलब इन शॉर्ट, क्या कंपनी को हर डिसीजन इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेना पड़ता होगा कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है? बिकॉज अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का डिविडेंड भी बढ़ेगा, बोलो हाँ है ना। और अगर कंपनी ने दिया हुआ डिविडेंड बढ़ेगा तो क्या शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा? हेलो, बोलो ना। ठीक 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 ओके सर, हाँ। चलो भाई बोलो, एफएम का पर्पस क्या है? सारे बच्चे बोलोगे टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑनलाइन वाले बच्चों भी घर पे चिल्लाने का, ठीक है। रश्मि जी, चलो भाई समझ में आया क्या? एफएम का पर्पस क्या? हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाना है तो आप एज एन इन्वेस्टर कंपनी से दो उम्मीदें रखते हो। क्या दो उम्मीदें रखते हो? सबसे पहला तो मुझे डिविडेंड देता रहो, दूसरा आपने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है आप क्या सोचोगे, उसका प्राइस बढ़ता 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 रहे या घटता 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 रहे? बढ़ता रहे, बोलो हाँ है ना। मतलब इन शॉर्ट, मेरे कंपनी के शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा बताओ तो? सर जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग कंपनी की शेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे। और आपको पता है क्या, एक डिमांड सप्लाई होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा कि अगर किसी चीज का सप्लाई कांस्टेंट है, अगर उसका डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस खुद ही ऊपर जाना है, बोलो हाँ है ना। अब जैसे कोई कंपनी अच्छा करेगी, जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी, जैसे कोई कंपनी एक्सपांशन करेगी, तो क्या उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन मार्केट में लोगों में हवा बन जाएगा, यार कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी ये प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रही है, एक काम करता है कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, क्या डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी? जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी क्या, बोलो हाँ है ना। तो इन शॉर्ट, कंपनी जब कोई भी डिसीजन लेती है ना तो उसको दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं डिविडेंड कैसे बढ़ाऊं
और मैं शेयर प्राइस कैसे बढ़ाऊं, बोलो हाँ है ना। और डिविडेंड बढ़ाने को और शेयर प्राइस बढ़ाने को ही क्या कहा जाता है बेटा, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, बोलो हाँ है ना। बिकॉज मेरा एक शेयर होल्डर है, उसके वेल्थ में मैं अपने डिविडेंड से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसके वेल्थ में जो शेयर बेचकर वो प्रॉफिट कमाएगा उससे भी मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मेरे FM में मेरे बिजनेस का हर डिसीजन बस एक ही चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए, दैट इज कि मुझे शेयर होल्डर्स वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है, बोलो हाँ है ना। सारे के सारे बच्चे बोलोगे FM हम लोग पढ़ रहे हैं, FM का अल्टीमेट पर्पस क्या है बेटा, हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। सारे बोलो बेटा जय माता दी, नहीं बोलने का, क्या बोलने का, FM का अल्टीमेट पर्पस क्या है बेटा, हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मेरे को कंपनी को हर डिसीजन जो लेना है वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए लेना है बेटा, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करना है, बोलो हाँ है ना। अब सर अगर मुझे डिसाइड करना है हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो मुझे मोटा मोटी तीन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं बेटा, तीन डिसीजंस। देखो बेटा सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकेंड डिसीजन लिखो बेटा कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। एंड थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। ध्यान से देखो बेटा अगर किसी भी कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, बोलो हाँ है ना। अगर किसी भी कंपनी को क्या करना है, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो आपको तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं, बोलो कौन से, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब एक काम करते हैं कंपनी पॉइंट, बेटा खिड़की बंद कर दो आवाज आ रही। अगर बात करेंगे सबसे पहले किसकी बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन की, किसकी बात करेंगे बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब एक काम करो कॉर्पोरेट को रहने दो, पर्सनल लाइफ में आते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्लास में आए, आप लोग क्या है बेटा क्लास में आए, आपकी आंखें मिली, बोलो हाँ है ना, आपके नैना टकराए, आपने बातें करी, आपने इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर ली और आपने क्या डिसाइड करा हमको डेट पे जाना है, बोलो हाँ है ना। अब जो लड़की थी ना बैठा वो सोबो से थी, किधर थी बेटा, सोबो। अब सोबो को तुम सामने अगर चपड़ी पर लेके जाओगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, अच्छी जगह पे लेके जाना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा एस्टिमेट। अब अपने तो लड़के, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर अपोजिट पार्टी ने बोला किधर जाना है तो मेरी नजरें सबसे पहले कहा जाती, तुमको पता ही क्या, गूगल पे जाके मेनू कार्ड देखने, गोवा नहीं रे बेटा, गूगल पे जाके सबसे पहले मेनू कार्ड देखने का, फिर मेनू कार्ड में क्या देखने का, रेट्स क्या है, फिर उसके बाद जाने का स्विगी डाइन आउट पे, और स्विगी डाइन आउट पे क्या चेक करने का, ऑफर है क्या, फिर डिसीजन लेना कि जाना है कि नहीं जाना है, बोलो हाँ है ना। अब हमने पूरा हिसाब लगाया, ठीक है, हम लड़के लोग, हमने पूरा हिसाब बनाए, हमने बोला कि हमको यार 3,000 रुपए तो लगना ही है, कितने लगने हैं बेटा डेट के, 3,000 रुपए, 1,500 रुपए का खाना, मैंने मुक्के मारने, 1,500 रुपए का खाना, 1,500 रुपए का गिफ्ट, नहीं नहीं तुम्हारी सोच जिधर जा रही मेरे को पता है, 1,500 रुपए का खाना और 1,500 रुपए का गिफ्ट, बोलो हाँ है ना, 1,500 का खाना और 1,500 का गिफ्ट। अब तुमको पैसे लेके आने, तुम्हारे घर वाले तुमको पैसे ऐसे देते लो बेटा उड़ाओ कि गिन गिन के देते, गिन गिन के बोलते बेटा हॉस्टल का भाड़ा कितना है, हम भर देंगे, मेस का कितना भाड़ा है बेटा, हम भर देंगे, ऊपर से देखो 2-3 हजार महीने के बहुत हो गए, उतना घर वाले दे देते ना, बोलो हाँ है ना। अब बजट कंस्ट्रेंट चल रहा, 3,000 रुपए तो मेरे को पूरे महीने के लगते ऊपर के, और इधर तो 3,000 रुपए एक ही डेट में जाने वाले। अब इस केस में ना लड़के एक दूसरे के बहुत काम आते हैं, ठीक है, ले भाई कितने चाहिए ले ले, सब लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज लड़के समझते कि हमारे ग्रुप में एक लड़का डेट पे गया, मतलब मन से हम सारे डेट पे होकर आ गए, वो दूसरे की खुशी में खुद की खुशी ढूंढते हैं बेटा लड़के, है ना। अब ध्यान से सुनो, 3,000 रुपए लगने, अब सबसे पहले 3,000 रुपए कहां से आएंगे क्या वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्या घर पे बोलू यार बुक्स खरीदनी है तो घर से पैसे मंगवा लू, या घर वाले तो बोलेंगे बड़ा तेरे लक्षण तो पढ़ने वाले है नहीं, घर वाले बोलेंगे बड़ा कौन सी बुक चाहिए मैं बुक ही खरीद के भेज देता,
या दोस्त से मांगू, लेकिन दोस्तों को अगर मैं मांगूंगा तो दोस्त मेरे बड़े खराब है, वो पूछेंगे क्यों चाहिए, और अगर बोला मैं डेट पे जाना है, जीना मुश्किल। बेटा मैं कसम से बताता हूँ, मैं जब इसमें था, किसमें था बेटा, इंटर्नशिप में था, तो मैं जिधर फ्लैट पे रहता था, अब हमारे इंटर्नशिप में, अब तुमको पता है कि इंटर्नशिप करो तो मन तो लग ही जाता। अब वो एक दोस्त को पता चल गया कि इसका ऑफिस में कुछ तो भी हाय हेलो चालू है। दो चीजें करी उन्होंने, सबसे पहले तो मुझे जो फ्लैट का ग्रुप था उसके एडमिन से निकाल दिया ताकि ये कुछ चेंज ना कर पाए, और दूसरा वो जो घर का ग्रुप है वो ग्रुप का नाम वो लड़की के नाम से रख दिया। खराब बेटा, लड़के बहुत खराब। अब ध्यान से सुनो, दोस्तों को भी नहीं बता सकते, घर पे भी नहीं बता सकते, किससे पैसे मांगेंगे, क्या ये डिसाइड करना पड़ता है? इसको क्या कहा जाता है बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहां से आएगा इसको क्या कहा जाता है बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसी तरीके से अगर आप एक कंपनी हो, क्या कंपनी को भी हर छोटे से छोटी चीज के लिए पैसा लगता होगा, और क्या कंपनी के पास पैसे लाने के भिन्न 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 सोर्सेस है, जैसे कि बताओ कौन से सोर्सेस है बेटा, कंपनी पैसा कहां से ला सकती है बोलो, क्या सर? इक्विटी वालों से। कंपनी बोलेगी मेरा मालिकाना हक ले लो, और कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, बोलो हाँ है ना? क्या कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा ला सकती है? यस। दूसरा सोर्स बताओ बेटा क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं क्या? प्रेफरेंस मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स को तो ना मैं बेटा फूफा जी बोलता हूं, फूफा जी अपने घर घर वाले ही होते हैं क्या? लेकिन उनको घर वाले रहने की बात भी हर चीज में प्रायोरिटी चाहिए, कि हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। उसी तरीके से साले प्रिफरेंस शेयर्स है, बोलते हैं कि हम तो शेयर्स है, हम तो इक्विटी वालों के बराबर ही है, लेकिन जब डिविडेंड बांटने की बारी आएगी तो पहले आके खड़े हो जाएंगे, मुझे दो। जब कंपनी बंद करने की बारी आएगी तो पहले आकर खड़े हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, मुझे दो, बोलो हाँ है ना? तो प्रिफरेंस शेयर से पैसा उठा सकते हो, और कहां से पैसा उठा सकते हो बोलो, डिबेंचर से उठा सकते हो क्या? सर डिबेंचर्स मतलब फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज दे दो और उसके बदले में पैसा उठाओ, बोलो हाँ है ना? और कहां से उठा सकते हो? अरे ये अपना माल्या जी ने कहां से उठाया था? अरे बैंक से लोन ले सकते हो ना, बैंक से टर्म लोन ले सकते हो, बैंक से सीसी ले सकते हो, बैंक से ओडी ले सकते हो, बोलो हाँ है ना? मतलब इन शॉर्ट फाइनेंसिंग के मेरे पास इतने सारे जरिए हैं। अब आप मेरे को बोलो, जो भी बंदा मेरे कंपनी में पैसा लगा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे कि उसकी कुछ ना कुछ उम्मीद होगी? सारे बच्चे बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे बच्चे बोलोगे, जो भी बंदा मेरे कंपनी में पैसा लगा रहा है समाज सेवा के लिए लगा रहा है कि उसकी मुझसे कुछ उम्मीद होगी? आप मुझे बताओ इक्विटी वालों की क्या उम्मीद होती है मेरे कंपनी से? अभी बात करी थी बेटा, जस्ट अभी बात करी थी। सर डिविडेंड की उम्मीद होती है क्या? सर मेरे शेयर का प्राइस बढ़ा कर दो, बढ़ा कर दो, बढ़ा कर दो, क्या ये एक उम्मीद होती है? और क्या कंपनी को उन उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा? द आंसर इज यस। दूसरा, प्रेफरेंस वाले जो होते हैं, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मन में आया तो देने का कि देना ही पड़ता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हो गया ना, तो क्या ये कंपनी के लिए खर्चा है? यस। डिबेंचर्स की बात करेंगे, टर्म लोन की बात करेंगे, क्या इन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अब इन पर इंटरेस्ट कंपलसरी होता है कि ऑप्शनल होता है? तो मन में आया तो देने का, और मन में आया तो नहीं देने का, कि देना ही पड़ेगा, मतलब कंपलसरी होता है क्या? मतलब इन शॉर्ट मान लो मैं इक्विटी से पैसे लाने की भी कुछ कॉस्ट लग रही है जो मुझे उनको देना है, डिबेंचर से पैसा लाने की भी कुछ कॉस्ट लग रही है, प्रेफरेंस की भी कुछ कॉस्ट लग रही है, इक्विटी वालों की भी कुछ कॉस्ट लग रही है, लोन की भी कुछ कॉस्ट लग रही है। अब मेरे को तो पैसा लेकर आना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं जहां से मुझे पैसा महंगा मिल रहा है वहां से लेकर आऊं, कि जहां से पैसा सस्ता मिल रहा है वहां से लेकर आऊं? सस्ता मिल रहा है। सारे बच्चे जवाब दोगे, मेरे को पैसा लेकर आना है, 100 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए, 100 करोड़ रुपए लेने के लिए मैं पब्लिक इशू कर सकता हूं, मैं डिबेंचर इशू कर सकता हूं, मैं बैंक लोन लेकर आ सकता हूं, मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूं। अब आप कंपनी में बैठे हो, आपको कंपनी के मालिक बोलेंगे बोलो भाई कहां से पैसा लेकर आना है, तो आप ऐसे मन से बोलोगे कि कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और क्या कैलकुलेशंस करेंगे कि सर कहां से पैसा सस्ता मिल रहा है, कहां से पैसा महंगा मिल रहा है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी क्या? ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन में। किसमें आती है बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सारे बच्चे बोलेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में मुझे दो चीजें सीखने पड़ती है, सबसे पहला पैसा कहां से
आएगा, दूसरा कितने कॉस्ट पर आएगा, बोलो हाँ है ना, पैसा कहां से आएगा और पैसा कितने कॉस्ट पर आएगा, ये किसकी बात हो गई बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन की। अब अगर हमारे सिलेबस की बात करेंगे तो फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए हमको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहला चैप्टर हमको पढ़ना है, दैट इज द चैप्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको कौन से दो सवाल बताए थे फाइनेंसिंग डिसीजन में जो हमको जवाब देना है, पैसा कहां से आएगा और पैसा किस कॉस्ट पर आएगा, बोलो हाँ है ना, तो कितना कितना पैसा किधर किधर से आएगा ये हमको ये चैप्टर बताएगा बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर, 100 करोड़ लाने ना, इतना इक्विटी से लाओ, इतना डेट से लाओ, इतना प्रेफरेंस से लाओ, इतना टर्म लोन से लाओ, ये हमको कौन सा चैप्टर बताएगा बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा। और इक्विटी से पैसे लाने की अपनी एक कॉस्ट है, प्रेफरेंस की अपनी एक कॉस्ट है, डिबेंचर्स की अपनी एक कॉस्ट है। अब सर कौन से सोर्स से मैं पैसा लाऊं सच दैट मुझे कैपिटल सस्ते से सस्ता पड़े, ये मुझे कौन सा चैप्टर बताएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोलो हाँ है ना। तो मुझे फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए दो चैप्टर सीखने हैं मेरे सिलेबस में, कौन से बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो अभी तक क्लियर है क्या, इसमें से एग्जाम में कुछ आने वाला है क्या, नहीं। लेकिन आज मैं आपको बस एक सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूं सच दैट कल से जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको ओवरव्यू क्लियर रहेगा कि हाँ यार शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कहां से पैसा सबसे सस्ता आ रहा है और सस्ता पैसा लाने के लिए क्या क्या जरिया है, उसके लिए मैं चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहा हूं, ठीक है। बोलो भाई अभी तक सारे बच्चे क्लियर है क्या। इसके बाद बात आती है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, किसकी बात आती है बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए ला लिए, कितना ला लिया बेटा कंपनी ने 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ कहां पर लगाना है, प्रोजेक्ट ए में भी लगा सकता हूं मैं, प्रोजेक्ट बी में भी लगा सकता हूं, प्रोजेक्ट सी में भी लगा सकता हूं, बोलो हाँ है ना। हर जगह पर मैं अलग 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 रिटर्न कमाऊंगा। अब जैसे कि मान लो कि आपका ना 3000 रुपए का जुगाड़ हो गया, कितना जुगाड़ हो गया बेटा 3000 रुपए का। अब लेकिन आप ना थोड़े चंचल तरीके के बच्चे हो, आपने क्या बोला यार मेरे पास ना 3 ऑप्शन है, मेरे को डिसाइड करना है कि मैं किसके साथ डेट पर जाऊं, बोलो हाँ है ना। तो ये आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया क्या, बिकॉज सर आपको पूरा इवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या लग रहा है ये बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिकॉज अगर बात आगे बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट है, नहीं बढ़ेगी तो खर्चा है, बोलो हाँ है ना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है बेटा कि जो पैसा मैं सस्ते से सस्ते में लेकर आया हूं उसको मैं कहां पर लगाऊं, बोलो हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ जब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करने का सोचते हो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है आप क्या सोचते हो, कम से कम कमाऊं या ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, कितने पड़े हैं बेटा 10 लाख रुपए। ये सारी बातें काल्पनिक है बेटा इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है क्या बेटा, अरे बेटा आशीष सर के पास है क्या, अरे वो तो बहुत। अब ध्यान से सुनो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। अब मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, बताओ मैं 10 लाख रुपए कहां कहां पे लगा सकता हूं। चलो 10 लाख में तुम्हारी सोच की लिमिटेशन आ रही क्या, 1 करोड़, कितना है बेटा 1 करोड़। बोलो मैं 1 करोड़ कहां कहां पर लगा सकता हूं, इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को, क्या क्या खर्चे। सर रियल एस्टेट कर लू, रियल एस्टेट में भी डिसीजन लेना पड़ेगा क्या, रेसिडेंशियल लू या कमर्शियल लू, एक हो गया रियल एस्टेट, दूसरा बोलो कहां पे पैसा लगा सकता हूं बड़ा, पीछे वाले 6 में से कोई भी एक बोलो, 1 करोड़ रुपए आज तुम्हारे पास कहां पर लगाना पसंद करोगे, रियल एस्टेट, ठीक है। उधर से रियल एस्टेट जवाब आ गया बेटा, वो आंसर पहले हो गया तो ध्यान दे, रियल एस्टेट में पहले लग चुका। अच्छा इसने कमर्शियल बोला, इन्होंने रेसिडेंशियल बोला था, ठीक है इधर वाले बोलो कहां लगाओगे पैसा, 1 करोड़ है, सेम जगह पे नहीं लगा सकते, कहां लगाओगे बेटा, स्टॉक मार्केट में लगाओगे क्या, शेयर वेयर खरीदोगे ना, हाँ सबको अर्चन मेहता बनना है बेटा, कहां लगाओगे, शेयर और रियल एस्टेट चलेगा, कहां लगाओगे बेटा, किधर, अबे पैसा लगाना है, गोल्ड, सोना, सोना मतलब गोल्ड बेटा गोल्ड में पैसा लगाओगे, बोलो हाँ है ना। हाँ सर गोल्ड तो बढ़ता ही है, मार्केट गिरता रहता है लेकिन गोल्ड तो बढ़ता ही है, बोलो हाँ है ना। सुन रखा होगा ना आपकी मम्मी से, बात कम करो, मम्मी से सुन रखा होगा ना, यार जब हमारी शादी होके आई थी तब गोल्ड का ये प्राइस था, तुम्हारे ससुर जी गोल्ड लेने ही नहीं देते थे, अगर हम तब गोल्ड ले लेते तो तुम्हारी शादी के टाइम पे हमको तकलीफ ना होती, ऐसा सुन रखा होगा ना, नहीं मेरे को बोलते
क्या? नहीं, इन्वेस्ट करना है मेरे को, 1 करोड़ ला लिया मैंने, क्या? कैसीनो, हसीनो, क्या? क्या? अगर सर मेरे ही पैसे हैं, कहीं पे भी लगा दूं क्या? चलो कॉस्ट नहीं लगी है, मेरी मेहनत के पैसे, मेहनत के पैसे कहीं भी लगा दूं क्या? मतलब कल जाके तुम बोलोगे सर पिज्जा खिलाओ, मैं खिलाऊंगा क्या? नहीं खिलाऊंगा, मेरे मेहनत के पैसे हो क्या? नहीं, तुम मेरे बच्चे जैसे नहीं हो क्या? हाँ भाई जैसे, उसमें मैं छोटा भाई हूं। अब मेरे को इन्वेस्ट करना है, बोलो हाँ है ना। अब कहाँ करोगे? 3 ऑप्शन आ गए बेटा, एक आ गया रियल एस्टेट, एक आ गया स्टॉक मार्केट, एक आ गया भैया जी ने क्या बोला, गोल्ड। बोलो और कहाँ लगाओगे पैसा? सर सब अच्छे अच्छे ऑप्शन चले जा रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा क्या? नहीं चुबे क्या? अरे लो, अरे 1 करोड़ है, लगाओ। कार लो, कौन सी कार लोगे बेटा? 1 करोड़ में रोल्स रॉयस नहीं आती, गरीब हो। एक तो जब से तुमने एनिमल पिक्चर में वो रोल्स रॉयस का रेफरेंस देखा है, तुम्हारे दिमाग में वो ही चल रहा क्या? जी वैगन लेंगे क्या? 1 करोड़ का जी वैगन क्या लेंगे भैया जी? 1 करोड़ का जी वैगन लेंगे, ठीक है। तुम बताओ बेटा जी क्या लोगे? क्या सेकंड में लेंगे? बोलो क्या लोगे? हाँ अरे बुर्ज तो छोड़ो बेटा, क्या चुनाव लड़ेंगे भैया जी? चुनाव लड़ने में 1 करोड़ लगा सकते क्या? जरूर लगा सकते भाई, तुम्हारा पैसा ही कहीं भी लगा सकते तुम, रशियन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज तुम पहले इंसान रहोगे जिसका नेगेटिव आरओआई रहेगा, पहला इंसान रहेगा जिसका रेट पर मिनट 6,000 रुपीज आए, कितना महंगा इन्वेस्टमेंट है बेटा वो, क्या ही रिटर्न है तुम्हारा, हो गया क्या? बोलो कहाँ लगाओगे बेटा पैसे? हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे क्या? सर घर खरीदेंगे, उसमें बढ़िया सा रियल एस्टेट करवाएंगे। वो देखा है क्या कैरिमिनाटी का वीडियो? सर मैं ना मेरे फोन पे सोने का कवर चढ़ाऊंगा, टेक्निकल गुरुजी। हाँ अब ध्यान से सुनो, मेरे को पैसा लगाना है, मेरे को पैसा क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है क्या? अब जैसे मेरे 1 करोड़ के आपने क्या क्या ऑप्शन दे दिए सर? कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, और क्या कर सकता हूं बेटा? क्या उतनी महंगी नहीं आती हो क्या? हाँ मैं यूनिक एकेडमी में स्टेक भी तो खरीद सकता हूं। अरे मेरे पैसे है, मैं कुछ भी करूं क्या? हेलीकॉप्टर खरीद सकते, सोची छोटी, 1 करोड़ में हेलीकॉप्टर भी नहीं आता बेटा, तो छोटा आएगा तो क्या है? मतलब देखो देखो इसको चाहिए ही छोटा हेलीकॉप्टर, की 2 लोग आए हमारा एनिमल जैसा काम हो जाए बस, 2 से ज्यादा चाहिए ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, सारे सारे ऑप्शन है बोलो आए ना, उसी तरीके से कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए आए क्या? कंपनी 100 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट, कंपनी 100 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट ए में लगा सकती है, बी में लगा सकती है, सी में लगा सकती है। कंपनी को क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहां पर पैसे लगाऊं सच डेट में मैक्सिमम रिटर्न कमाऊं? बोलो हाँ है ना। आप रिटर्न क्या कमाना चाहोगे, कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा। कैसा रिटर्न कमाना चाहोगे बेटा? ज्यादा से ज्यादा, बोलो हाँ है ना। अब ये जो है कि हमको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए सच दैट में ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ये मैं पढ़ने वाला हूं बेटा इन द चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। लिखो बेटा, चैप्टर के नाम से आज आपको रूबरू करवा देता हूं। ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा? कैपिटल बजटिंग। हैंडराइटिंग से किसी को भी तकलीफ है क्या? नहीं है तो तुम्हारा सिलो का लेक्चर होता ना, कंपेयर कर लेना क्या अच्छी है क्या? तो मैं चाहता ही नहीं कि तुम कॉपी करो, मैं चाहता हूं तुम समझ के लिखो, ये स्ट्रैटेजी है। मैं चाहूं तो मेरी हैंडराइटिंग तो हो
अरे तो ओहो मत करो। बोलो मेरे को कौन सा चैप्टर देखना पड़ता है? कैपिटल बजटिंग। अब इसके अलावा और एक चैप्टर जो मुझे देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है चैप्टर में जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, बोलो भाई। सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आएगा। दूसरा इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो क्या बोलता है बेटा मेरा पैसा कहां पर लगेगा। और तीसरा कौन सा होता है बेटा मेरा? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होगा बोलो? अरे बोलना माही बोलना, मैं गाना नहीं गा रहा हूं बेटा। ठीक है, बोलो क्या होता है बेटा डिविडेंड डिसीजन? मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट में कितने लगाए? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, आ जाओ। मैंने कितने लगाए बेटा? 100 करोड़। 100 करोड़ मैंने प्रोजेक्ट ए बी सी तीनों में इन्वेस्ट कर सकता था, बोलो हाँ है ना। मान लो मुझे प्रोजेक्ट ए में सालाना प्रॉफिट 20 करोड़ आने वाला है, बी में 15 करोड़ और सी में 10 करोड़, बोलो किसमें इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? ए में, जिसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हो, बोलो हाँ है ना। अब सर जी मैंने ए में इन्वेस्ट करा और ए में मैंने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। कितना प्रॉफिट कमाया बेटा? 20 करोड़ रुपए। अब कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, क्या कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट देती है कि नहीं बांटती है? सर बांट भी सकती है या नहीं भी बांट सकती है? सर सीधी बात है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी इसको क्या करे, डिविडेंड की तरीके से बांट दे। क्या करते बेटा? इसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट दे। या तो क्या कंपनी अपने पास ही प्रॉफिट को रिटेन करके रख सकती है? बोलो रिटेन करती है कि नहीं करती है? क्यों रिटेन करती होगी बोलो प्रॉफिट्स कंपनी? अरे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पैसा लगेगा ना। अब आज आपने 20 करोड़ रुपए लगा कमाए और 20 करोड़ पूरे बाहर बांट दिए, फिर कल जाकर पैसों की जरूरत पड़ेगी, कल जाके फिर से हाथ फैलाने पड़ेंगे, बोलो हाँ है ना। इसके लिए कंपनी क्या चाहती है कि मेरे पास एक तो मैं डिविडेंड इतना बांटू सच दैट शेयर होल्डर खुश होते रहे, दूसरा मैं इतना प्रॉफिट रिटेन करके रखू सच दैट ये मुझे ग्रोथ में काम करे, बोलो हाँ है ना। तो मैंने 20 करोड़ कमाए, अब 20 में से कितना बांटना चाहिए? पूरा 20 दे देना चाहिए, 10 बांटना चाहिए, 10 रिटेन करना चाहिए, या पूरा का पूरा 20 करोड़ मुझे रिटेन करके रखना चाहिए? ये मुझे कौन सा चैप्टर बताता है बेटा? डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो हमको एक चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर का ही नाम है बेटा डिविडेंड डिसीजंस। चैप्टर का ही नाम क्या है बेटा? डिविडेंड डिसीजन। बोलो ऑनलाइन वाले समझ में आया क्या? अरे बोलो यस सर नो। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम वीडियो को लाइक काहे नहीं कर रहे हो? सबसे पहले बताओ तुमको क्या लगता है कि तुम लाइक करोगे तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट के मेरे अकाउंट में आ जाएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो बिंदास लाइक करने का बेटा, काहे नहीं करते हो लाइक? कैसा होता है ना बेटा, ये लाइक मैं घर पे नहीं लेके जाने वाला हूं, वो तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको लगता है यार बच्चे लाइक कर रहे हैं, मतलब बहुत भारी पढ़ा रहे सर, मतलब ये तो पढ़ा रहे भी भारी है लेकिन। बोलो भाई समझ में आया क्या? हमारा जो सारे बच्चे बोलेंगे, हमारा जो एफएम जो है कितने मार्क्स का है बेटा? 40 मार्क्स का, बोलो हाँ है ना। एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स आएगा क्या? सारे बच्चे बोलो एफएम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। बोलो एफएम का पर्पस क्या है? हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब ध्यान से देखो, मेरे को अगर शेयर होल्डर्स वेल्थ को क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज। क्या करना है बेटा मेरे को शेयर होल्डर्स वेल्थ को? मैक्सिमाइज। तो मेरे को मोटा मोटी 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। कितने डिसीजन बेटा? 3 डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे अपने घर पे बोलोगे फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? क्या? हाँ, पैसा कहां से आएगा? बोलो हाँ है ना। मतलब वो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में देखूंगा क्या? और मुझे क्या कोशिश करनी चाहिए? पैसा सस्ते से सस्ता कहां पे मिल रहा है या महंगे से महंगा कहां पे मिल रहा है? सस्ते से सस्ता। बोलो क्या देखना पड़ेगा मुझे? सस्ते से सस्ता। तो हर सोर्स से पैसे लाने की जो कॉस्ट लग रही है ये मैं कहां सीखूंगा बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। बोलो हाँ है ना। इसके बाद आप मुझे बोलो, मैं पैसा तो लेकर आ गया, अब मुझे क्या डिसाइड करना पड़ता है कि मैं पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करूं? बोलो हाँ है ना। क्या मेरे पास हमेशा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी? मैं ए बी सी डी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता हूं क्या? मुझे क्या सोचकर डिसीजन लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कि रिटर्न कम से कम हो कि ज्यादा से ज्यादा हो?
क्या मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने की उम्मीद रखूंगा? बोलो हाँ है ना। अब अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाना है तो मुझे पहले ही चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे कितना रिटर्न देने वाला है। बोलो हाँ है ना। और इस चीज को चेक करने के लिए मैं कौन सा चैप्टर देखता हूं बेटा? कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बोलो हाँ है ना। अब मैंने पैसा लगाया, मैंने प्रॉफिट कमा भी लिया, अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं कितना डिविडेंड बांटना चाहता हूं और मैं कितना पैसा रिटेन करके रखना चाहता हूं। बोलो हाँ है ना। बोलो कंपनी डिविडेंड क्यों बांटती है? शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। और कंपनी पैसा रिटेन क्यों करती है? फ्यूचर ग्रोथ के लिए। किसके लिए रिटेन करती है बेटा? फ्यूचर ग्रोथ के लिए। क्या हमको दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा क्या? मान लो मैंने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए पूरा डिविडेंड बांट दिया और एक्सपेंशन के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो क्या मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन होगा क्या? नहीं। शॉर्ट टर्म में तो फायदा है लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन होगा क्या? नहीं। दूसरा, मान लो मैंने क्या करा कि मैंने पूरा का पूरा रिटेन कर दिया और डिविडेंड बांटा ही नहीं। अब आप मेरे को बोलो, दो कंपनीज है, दोनों का शेयर प्राइस सेम है, एक कंपनी हर साल डिविडेंड देती है और एक कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? डिविडेंड देने वाली में कि डिविडेंड ना देने वाली में? डिविडेंड देने वाली कंपनी में। सर अगर मैं ग्रोथ के लिए पैसा रिटेन 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 कर रहा हूं तो मेरे जो शेयर होल्डर है वो क्या बोलेंगे? यार क्या फालतू कंपनी है, एक रुपए का डिविडेंड नहीं देती, दूसरी कंपनी डिविडेंड देती है, एक काम करता हूं मैं दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लेता हूं। बोल हाँ है ना। जैसे मेरे शेयर होल्डर दूसरे कंपनी पे जाएंगे क्या मेरे शेयर का सप्लाई बढ़ेगा? और सप्लाई बढ़ेगा तो मेरे शेयर का प्राइस क्या होगा बेटा? गिरेगा। बोल हाँ है ना। तो एज ए कंपनी मुझे बैलेंस रखना पड़ता है कि मैं कितना डिविडेंड बांटू कि मेरे शेयर होल्डर भी खुश रहे और मैं कितना पैसा रिटेन करूं सच दैट मैं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी कर पाऊं। बोलो हाँ है ना। एंड इस चीज को शो करने के लिए कि मुझे कितना पैसा बांटना चाहिए और मुझे कितना पैसा रिटेन करना चाहिए, इसके लिए मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा? डिविडेंड डिसीजन। बोलो हाँ है ना। कल हम लोग हमारा जो वेरा पहला चैप्टर है दैट इज द चैप्टर ऑफ लेवरेज से शुरुआत करेंगे। कौन से चैप्टर से बेटा? लेवरेज से हम लोग शुरुआत करेंगे। कितने बच्चे बेटा जो घर से बाहर से हो, मतलब कितने बच्चे हो जो एक से सबसे पहले बताओ, कितने बच्चे प्रॉपर पुणे से हो? अरे आशीष सर जिंदाबाद बेटा, मैं ही बोलता हूँ आशीष सर जिंदाबाद, ठीक है? काहे चिंता करते हो? स्क्रीन बेटा देख रहे हैं? स्क्रीन बंद है मुझे पता है ना, स्क्रीन बंद है मुझे पता है, बट कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है? बड़ा स्क्रीन बंदी किया गया, काहे चिंता करते हो? बोलो बड़ा कितने बच्चे हैं जो प्रॉपर पुणे से हो, मतलब जिनका घर ही इधर है, लगभग 30% के आसपास? और कितने बच्चे हो जो पुणे के बाहर से आए हो फर्स्ट टाइम, कौले कौले घर के बाहर से निकले हो? मतलब कुछ बच्चे पहले से बाहर है। बोलो हाँ है ना। मतलब यूज्ड टू हो गए हो क्या यहाँ पे? बड़ा सीधी बात है, एक चीज ध्यान रखना, अपना जो प्रोफेशनल कोर्स है ना, अपने प्रोफेशनल कोर्स में कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी क्या? यस, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी क्या आपको? यस। लेकिन ध्यान से देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी लेकिन सर फिर एग्जाम का पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है? एग्जाम का पासिंग परसेंटेज कितना है बेटा मेरा एग्जीक्यूटिव का? 5%। सर 5% मतलब 20 बच्चे में से एक बच्चा पास हो रहा है, क्या आपको लग रहा बाकी बच्चे क्लास नहीं कर रहे? बाकी बच्चे रिवीजन सेशंस नहीं देख रहे क्या? बाकी बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे? फिर क्यों 20, चलो क्यों 10 में से भी एक ही बच्चा पास हो रहा है? सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे? क्या नहीं कर रहे बेटा? सेल्फ स्टडी। आप बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं, आप क्लास इंडिया में कहीं से भी कर लो, अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट है इट बॉइल्स डाउन टू आप कितनी मेहनत करते हो। बोलो हाँ है ना। अब जब मैंने इंटरमीडिएट करा था, मैंने इंटरमीडिएट देयर इज अ टाउन इन अकोला वहां से करा था। अब बात कैसी है ना बेटा कि अगर आप पुणे में आए हो, अगर कोई भी अकेडमी ऐसी है कि जिधर मान लो एक फैकल्टी 19-20 भी है ना, सो द टीम डज नॉट वर्क, द टीम नीड्स टू बी परफेक्ट। लेकिन आप अगर छोटे सिटीज में देखोगे उधर कैसा होता है, एक सर है जो मेन है, बाकी वो अपने अंदर जो भी दूसरे है बच्चों को बोलते हैं सारे सब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे, तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इधर आपके पास ऑप्शन होता है, मतलब पुणे में खड़े रहना है तो आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन तो मिल ही रहा है। अब ध्यान से देखो, फिर भी जब मैं अकोला में था
इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंटरमीडिएट आई मैनेज टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स. सिंपल रीजन है बेटा, रीजन बता दो क्यों. तब सर क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा सब समझ जाता था क्या? नहीं, कुछ सब्जेक्ट थे जो समझ में आते थे, कुछ सब्जेक्ट थे जो समझ में नहीं आते थे. लेकिन पहले दिन से जो मैंने एक चीज मेक श्योर करी कि मेरे को सेल्फ स्टडी करना है. तुम्हारे इधर क्लास के टाइमिंग्स कितने रहने वाले? 8 से 6 बजे तक रहेगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. मैं अपना बताता हूँ, मेरा शेड्यूल क्या रहता था. लगभग 8 से 5-6 बजे तक हमारा शेड्यूल होता था, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था. जैसे ही क्लास छूटी, 1 घंटे में डिनर करके आते थे हम लोग. कितने टाइम में? 1 घंटे में डिनर करके फिर से लाइब्रेरी हो जाना. अब फिर से लाइब्रेरी में बैठने के बाद जो 9 बजे से लाइब्रेरी बैठे हैं 12-1 बजे तक, बिकॉज देखो बेटा बात सीधी है, अगर इस क्लास में लगभग समझो 100 बच्चे बैठे हैं, सारे के सारे 100 बच्चों का जो समझने की स्पीड है वो अलग अलग होगी. आपको लगता होगा ना यार मेरा ये फ्रेंड है, हम लोग साथ में क्लास में गए. आपको लगता होगा कि नहीं लगता है? सर लगता है कि हम लोग तो सर दोनों क्लास में साथ में जाते हैं, मेरा ये जो फ्रेंड है मैं घर पे जाके खुद से मेहनत करता हूं. मेरा फ्रेंड घर पे जाके मेहनत भी नहीं करता, फिर भी जब हम अगले दिन क्लास में आते हैं तो वो सारी चीजें मुंह जबानी बोल देता है और मेरे को फिर से थोड़ा धुंधला धुंधला लगता है. होता है, कुछ बच्चे आपको अपने आसपास ऐसे भी देखने मिलेंगे जो सिर्फ क्लास करें, सेल्फ स्टडी ना करें तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है. मेरे को तो पता था भाई, मेरे को अपना ब्रीड पता था. आई न्यू कि यार मेरे को अगर मेरे क्लास में करना है, अगर मेरे क्लास में कंपीट करना है, खुद के आगे पीछे देखने का, अरे ये मेरा फ्रेंड सर्कल है 10 लोगों का, क्या ये 10 लोगों के फ्रेंड सर्कल में आज अगर पेपर हो और बोला जाए कि तुम सब में से एक ही बच्चा पास होगा, तो क्या वो एक बच्चा मैं रहने वाला हूं? अगर दिमाग में अगर जवाब हाँ आ रहा है तो उसी प्लान के साथ फॉरवर्ड करो. कि अगर दिमाग में खुद ही मना कर रहे हो ना, फिर इंस्टीट्यूट से भी एक्सपेक्ट मत करना कि इंस्टीट्यूट आपको पास करने वाला, इंस्टीट्यूट आपको पास नहीं कर सकता है. क्या ये डिग्री बहुत ज्यादा हार्ड है? द आंसर इज नो. लेकिन ये डिग्री में एक ही चीज अटकाती है, दैट इज वॉल्यूम. सिलेबस इतना ज्यादा है, क्वांटम इतना ज्यादा है. आप ईटी देखे आ रहे, ईटी कितना सा है? लप्पू सा ईटी है. ईटी कैसा है बेटा? लप्पू सा. अब आप मेरे को बताओ क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या डब्ल्यूईटी से कंपैरेटिवली, हमारा सिर्फ एक ग्रुप की बात करूं मैं, तो भी सिलेबस 4 गुना हुआ है कि नहीं हुआ है? सिर्फ एक ग्रुप की मिनिमम 4 टाइम ज्यादा है कि नहीं है? है 4 टाइम ज्यादा. और प्रिपरेशन का टाइम कितना है अपने को? 4 से 5 महीने. कितना है बेटा प्रिपरेशन का टाइम? 4 से 5 महीने. अब सीधी बात है कि अगर साल भर बाद है, 1.5 साल बाद है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा लीनियंटली ले सकते हैं. लेकिन अगर 4-5 महीने का टाइम है तो इसमें क्या होता है बेटा, हर दिन जो आपने वेस्ट करा वो आपको कॉस्ट करेगा. सीधी बात है बेटा, मेरे को पता है शहर पुणे है, और पुणे शहर में पता है बेटा मन थोड़ा सा भटक ही जाता है. अब हम दूर रहते थे अकोला, उधर अकोला में कैसा है, तुमको अगर चेंज भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा तुम शेगांव मंदिर ही जा सकते थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं उधर, पास में शेगांव चले गए. अब इधर तो तुमको हो इधर तो वाइब ही वाइब, हरियाली हरियाली, बोलो हाँ है ना. अब सीधी बात है, इसमें मन भटकना लाजमी है क्या? अब अपना एज ही ऐसा होता ही है, बोलो हाँ है ना. अब मतलब ऐसा है कि मेहनत भी करना है, लेकिन वो जो एज के कीड़े है, वो तो कीड़े है ही ना. और कीड़े हर किसी को रहते, घर पे भी, पुणे में आने के बाद वो कीड़े थोड़े और अंदर चले जाते, बोलो हाँ है ना. तो सीधी बात है. और बच्चे क्या करते ना, बच्चे खुद को ही ऐसा सांत्वना देने लग जाते कि यार मैंने मंडे से सैटरडे क्लास तो करी, मैं मंडे से सैटरडे मेहनत तो कर रहा हूं, तो संडे एक दिन मैं घूम लिया तो क्या नहीं करने का बेटा? नहीं करने का. जब तुमको घूमना रहेगा घुमाना रहेगा, हम इज्जत से बोल देंगे. अदरवाइज मंडे टू सैटरडे सीधी बात है बेटा, एक ही हिसाब करते चलो. रोज जो भी क्लास में पढ़ रहे हो ना, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, घर पे जाके बस 15 से 20 मिनट लगी. आपको क्या लगता है रे, जो 1.5-2 घंटे की क्लास है, आप जब घर पे जाके खुद से देखोगे कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने को? क्या FM बेटा हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है? क्या आधा घंटा, लेट लेट के भी कितना लगेगा? आधा घंटा. अब एक बेटा, जो सारी चीजें मैं बताता हूं ना, ये मैंने पर्सनली टेस्ट करी है. बात क्या होता है ना कि अगर आपने अभी खुद से नहीं पढ़ा, आप डायरेक्टली पेपर से पहले पढ़ोगे, थोड़ा सा धुंधला धुंधला आएगा. लेकिन क्या होता है ना, एक बार क्लास में कंसेप्ट समझे, अगर आपने वही दिन खुद से जाके पढ़ लिया ना, तो
तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब वो चीज अभी आपको कितना हेल्प करेगी वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पेपर से पहले रिवाइज करने बैठोगे ना, तो जो आज आपने क्लास में 2 घंटे पे पढ़ा, मान लो आपको अपने एंड पे रिवीजन करने में 1 घंटा लग रहा है, अभी आपने वो आधे घंटे का टाइम दे दोगे ना, एक तो सबसे पहले वो उधर आधे घंटे में हो जाएगा, दूसरा आपकी ना नोट्स पे ग्रिप बनेगी। अब क्या होता है ना, जब आप खुद के नोट्स 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हो ना, तो दिमाग में खुद ही अपनी फोटोजेनिक मेमोरी होती है। अब फोटोजेनिक मेमोरी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि सर देखा हुआ याद है, एग्जैक्टली क्या था याद नहीं है, लेकिन किस जगह देखा था वो याद है। जैसे कि हम लोग गानों की भी बात करते हैं, बेटा चैप्टर आज याद कराओ कल तक भूल जाते हो, गाने 5 साल पहले की भी गाऊंगा तो आगे की लाइन गा दोगे, बोलो हाँ है ना। तो अपनी मेमोरी उस तरीके से, अब अपने को पता है कि अपने मेमोरी के स्ट्रांग पॉइंट क्या है। सर मेमोरी का एक स्ट्रांग पॉइंट है फोटोजेनिक मेमोरी। तो जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप उन नोट्स से पढ़ते हो, जब आप उन नोट्स को गो थ्रू करते हो, तो वो नोट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हो। और मैं बोल रहा हूँ बेटा, आज की तारीख में अगर आपके नोट्स पे कमांड अच्छा है ना, तो जिस दिन पेपर लिखने बैठोगे ना, पेपर में जैसे क्वेश्चन आएगा दिमाग में चमकेगा, अरे ये पेज के ये साइड लिखा हुआ था मैंने। जिसने भी खुद से नोट्स बनाए होंगे उसको चमकता है। सर एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी क्या? बेटा फॉर श्योर मेहनत लगी, लेकिन कसम से बोल रहा हूँ कि ये टाइम में मेहनत कर दो। कैसा होता है, आप डबल ईटी, आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाओगे, आपका प्रोफेशनल कितने टाइम बाद आएगा? कम से कम 1.5 साल का गैप रहेगा। इंटर्नशिप करोगे, बोलो हाँ है ना। अब वो तो आप क्लासेस के साथ साथ करोगे, और आखिरी के 4-6 महीने उसको पढ़ना पड़ेगा। डबल ईटी भी हमने क्लियर कर दिया। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है ना, एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आ गए, इतना नया सिलेबस एक साथ आ गया, दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट आ गया ना, और एक तो उम्र भी ऐसी है। तो मेक श्योर क्या करते चलो, मैनेज करते चलो। रोज की क्लास चार्ज हो रही है, सेल्फ स्टडी करने को हार्डली कितना लगेगा? 2 घंटा। जो पहले वाले बच्चे नालायक होमवर्क नहीं करते थे, होमवर्क दिया क्लास में सॉल्व करने का, हर किसी का क्या होता है बेटा रीजन होता है, होमवर्क दिया सॉल्व करने का, सेल्फ स्टडी दिया सॉल्व करने का, आपका सिलेबस वेल ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपके रिविजन होंगे, मैराथन्स होंगे, सारी की सारी चीजें होंगी। लेकिन उसका फायदा कब उठा पाओगे? जब आपका अभी का बेस क्लियर हो। अगर मैराथन में ही आके डायरेक्ट 0 से पढ़ोगे तो फिर कोई सेंस बनेगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले तो लेक्चर मिस करना नहीं, बिकॉज अपने जो लेक्चर्स रहते हैं ऑल लेक्चर्स आर इन कंटिन्यूटी। सर मैं ना मैं रिकॉर्डेड देखूंगा, क्योंकि कैसा होता है ना कि 1.5 घंटे का लेक्चर है तो 1.5x पे देखो तो 1 घंटे में हो जाता है घंटा। कुछ तो जादुई शक्तियां है बेटा कि 1.5 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर 1.5x पे देखने के बाद भी 2 घंटे ले लेता है। You will feel it if you have not felt it. आपको फील होएगा, बिकॉज अपन अपने मर्जी से रुक दे, रुक बड़बक मैं घूम के आता हूं। दोस्त ने कुछ बोला, अरे ये तो बोलते रहता है, इसको रोको। क्या बोल रहा था भाई? अच्छा खाना खाने जाना है। कहाँ जाना है? 10 मिनट डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, आके ही पढ़ लेते। तो ये चीजें होती है। तो रोज क्लास आने का क्या? हाँ। दूसरा सर बैकलॉग क्रिएट करे, 1 दिन का लेक्चर 2 दिन का लेक्चर, चैप्टर छूट गया तो फिर बैकलॉग। और कब आप लाइव से रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो जाओगे ना, आपको भी पता नहीं चलेगा। और सीधा समझ लेना, जिस दिन आपकी ऐसी स्थिति आ गई है ना कि लाइव से रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो रहे हो, उसी दिन सोच लेना कि ये भी स्थिति आ गई है कि जून से दिसंबर अटेम्प्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। हर दिन दिमाग में ये घंटी घूमनी चाहिए, 10% रिजल्ट आने वाला है, 10 में से 1 बच्चा पास होने वाला है। चलो मैं 10 में से मान लेता हूं रे। तुम बोलते हो सर बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, तुम बोलते हैं बच्चे टाइम पास करते हैं। क्या 10 में से 2 बच्चे टाइम पास आते होंगे? 2 बच्चे माँ बाप के प्रेशर में आते होंगे? बाकी आप मेरे को बोलो, अरे अपन जो सीएस कर रहे, अपन ऐसे है क्या कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छे घर से, कोई है क्या जिसके घर पे बहुत पैसा है तो हाथ खड़े करो बेटा, मेरे को ही दे देना थोड़े पैसे। बोले है क्या किसी के पास बहुत पैसे? कितने? अच्छा फाइनेंसर मिल गया मेरे को। अब ध्यान से देखो, जिस घर के पास बहुत पैसे है फिर तो ये करके कुछ मतलब है ही नहीं, मन लगाने की बात है। सीधी बात है कि इंसान क्या करता है ना, जब भी कोई चीज को डेस्परेशन में करना है तो उसके लिए बड़ा कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। रीजन आपका कोई भी हो सकता है। सर लड़कों का रीजन क्या हो सकता है? मेरा फाइनेंशियली घर इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे को फाइनेंशियली घर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। सीधी बात बोल रहा हूं बेटा, एक इंसान लगता है ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन एक इंसान ने अगर घर से ब्रेक थ्रू कर लिया ना, आगे की पीढ़ियों के लिए काम सिंपल हो जाता है। एक इंसान लगता है बेटा, कौन लगता है? एक ही इंसान। तो अपने घर का वो एक इंसान आपको कैसा बनना है वो आपको देखना है।
सर हमारे घर पे पैसा है, हम टाइम वेस्ट कर रहे क्या? नहीं रे, काहे? डिग्री वेस्ट जाती क्या? लड़की देखने जाओगे ना? पढ़ाई नहीं देखने जाओगे तू क्या है? खुदकुशी कर लेगा क्या? खुदकुशी? अब ध्यान से देखो बेटा, लड़की देखने जाओगे? पहले लड़कियां बेटा पैसा मांगती थी, आजकल पैसे के साथ क्या चाहिए बेटा? डिग्री भी चाहिए। हम आपको बेटा ये कुछ चीजें ना, मोहित सर बोलते हैं कुछ चीजें अनुभव से बात करते हैं। बोलो हाँ है ना? तो डिग्री लगती है कि नहीं लगती है? लगती है, बोलो हाँ है ना? लड़कियों की बात करेंगे। सर लड़कियों का क्या है बेटा, देखो सीधी बात है, आज के तारीख में प्रैक्टिकल बात करता मैं, ठीक है? शादी करके जाओगे, अब शादी करके जाओगे ससुराल में कितना इज्जत मिलेगा डिपेंड्स अपॉन आपकी खुद की स्टैंडिंग कितनी है। दूसरा, हाउसवाइफ बनना है कि वर्किंग बनना है वो आपके ऊपर है बेटा। लेकिन देखो बेटा मेरी बात सीधी बात है, भगवान ने अपने को जिंदगी दी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर हमारी मम्मी हाउसवाइफ है, सर आप मम्मी को कैसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप वर्किंग होते हो, बाद में करना नहीं करना दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन अगर आप शादी के बाद काम करो या मत करो दैट इज योर चॉइस। लेकिन अगर आप उतने केपेबल हो ना तो आपको रिश्ते भी उसी हिसाब से आते हैं कि यार लड़की ने कुछ किया है तो उसको लड़का भी वैसा मिलता है कि कुछ किया है। बिकॉज अगर लड़की ने कुछ नहीं किया ना फिर लड़का भी कैसा मिलता है, कुछ नहीं किया हुआ, सीधी बात है ना। अब आप मेरे को बताओ कि आप शादी के लिए अपने से बेटर कैंडिडेट ही ढूंढोगे? लड़के बोलो लड़की बोलो, आप अपने लिए बेटर ढूंढोगे ना? अब सीधी बात है, जब आपकी कुछ स्टैंडिंग रहेगी तो आप बेटर ढूंढोगे ना? आपकी कुछ स्टैंडिंग ही नहीं है तो जो भी मिलेगा आपको वो तो आपसे बेटर ही मिलेगा। और सीधी बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो कोर्स है प्रोफेशनली, इतने कोर्सेज मैंने देखे ना, इतने पैसे लगते हैं। हमारा जो कोर्स है सीएस सीए सीएम है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन एक ही चीज लगेगा, रिस्क और टाइम। तो जिसने रिस्क को मैनेज कर लिया, जिसने टाइम को मैनेज कर लिया, बाकी चीजें सिंपल है। मैं नहीं बोलता रे बिल्कुल भी मजाक मत करो, मजाक करने का। मेरे को आज के तारीख में कोई पूछता सर आपकी सीए की सबसे अच्छी मेमोरीज कब बनी, मैं बोलता हूँ सीए इंटर के टाइम पे बनी। आर्टिकलशिप तो ऐसा है, वो सारे प्रोफेशनल ही बनते हैं। प्रोफेशनल का जो है मतलब आपका हमारा फाइनल लेवल, आपका प्रोफेशनल लेवल, उसमें तो मेजोरिटी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं। फिर बाद में जो सर्कल बनना है प्रोफेशनल सर्कल ही बनना है, मतलब जो फ्रेंड सर्कल है कि आज से चार साल बाद पांच साल बाद याद करने वाला, वो कहाँ बनेगा बेटा? क्लास में ही बनेगा। तो क्लास में मस्त बढ़िया तरीके से दोस्त बनाओ, रोज का रोज पढ़ते चलो, दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, या किसी का ऐसा दोस्त बनो जिसको आप पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो बेटा। मुझे बताया मेरा एक फ्रेंड है राज नाम के था, तो कैसा हो गया ना, जब मैं जालना से अकोला गया था तो मेरा फाउंडेशन में स्कोर 200 में से 150 आया था और मैं जालना का टॉपर था। मैं बोला अपन जालना के टॉपर, अपने को क्या दिक्कत है, अपन तुर्रम खान रहेंगे। अकोला की क्लास में मैं गया, अकोला की क्लास में जाने के बाद 100 में से 30 बच्चे 150 के ऊपर। मैं बोला साला इनमें से निकलने भी 5 वाले हैं और 30 बच्चे तो मेरे स्कोप के ऊपर है, तो मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अब राज कैसा था ना, राज ऑलरेडी 200 में से 180 वाला बच्चा था, फिर भी मैं जब देखूं तो क्लास खत्म हुई आधे घंटे में लाइब्रेरी आ जाना, सुबह भी देखो तो लाइब्रेरी में मिलना मिलना, तो उससे मेरी दोस्ती बनी। अब वो कैसा होता है ना, आप बोलते हो यार ये होशियार लड़का है, अगर ये मेरे से होशियार होकर इतनी मेहनत पुट इन कर रहा है तो मेरे को तो मेहनत करनी है। सीधी बात है बड़ा, सर आपको कितना जल्दी ग्रास्प होता है कितना नहीं होता है ये आपके हिसाब है। अब जैसे एक बच्चा हमारा एक फ्रेंड भी था ज्ञानेश्वर बोल के, वो हिंदी मीडियम से था, तो वो क्या करता था ना, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, जब इंग्लिश ईआईएस का लेक्चर हो रहा है तो वो रजिस्टर लेके बैठता था, सर जो बोल रहे हैं वो बोली हुई चीज को तुरंत पूरा का पूरा हिंदी में लिखता था और फिर घर पे जाके वो हिंदी में पढ़ता था और फिर उसको इंग्लिश बुक से कोरिलेट करता था। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पहले बेंच पे बैठे, घर पे जाके सो गए, अगले दिन आए फिर भी सर ने क्वेश्चन पूछा तो बोल देंगे और हमारा तत्ता बबा निकल रहा है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है बेटा कि जो बच्चा मेहनत करता है ना अल्टीमेटली पास होता ही है। एक लाइन तो है बेटा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो अगर टैलेंटेड हो तो बड़ा सोचो, और अगर लग रहा है थोड़ा कहीं भी 19-20 है तो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी में होता है। लेकिन मेहनत से वो चीज को कवर कर सकते हो क्या? यस, कवर कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे, कल हम लोग मिलेंगे, वील स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ लेवरेज। सारे बच्चे एक नई कापी लेकर आओगे, कापी नहीं बेटा कापी, क्या पुरानी वाली कॉपी चलेगी? तो एक तो क्या लेकर आओगे, नहीं बेटा कापी, दूसरा स्टडी मैट आ चुके हैं क्या सबके? आए तो ठीक है, नहीं है तो एक हफ्ते में जुगाड़ लो, ठीक है? इंस्टीट्यूट देंगी ना,
रजिस्ट्रेशन करवाए कि नहीं करवाए? तो भाई इंस्टीट्यूट देगी रे, मेरे को मत पकड़ो, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ऑनलाइन वाले बच्चे बड़ा एफएम हम ही पढ़ाने वाले, बोलो कौनो दिक्कत? वीडियो लाइक काहे नहीं कर रहे हो? सर आपने तो आंखें खोल दी, बड़ा वैष्णवी काहे चिंता करते हो? सादे ग्लास विच कापी, सर एक कापी काफी होगी क्या बेटा अभी के लिए? तो एक ए गरीबो, एक कापी 50-100 पेज की बनाए, मैंने मुक्का मारना है? 250 पेज की बनाओ, सारे के सारे चले जाओ एक ही पुणे वाले के पास, बोला मोहित सर ने भेजा डिस्काउंट दो 5-5 रुपए का, जाओ। अरे हमारी बुक्स उसके पास ही छपती है क्या? 5 रुपए ज्यादा देगा, बोलेगा कि वो उनके पैसे बाकी है। सर मोहित सर मेरे उत्तराधिकारी है, क्या बात है? अच्छा आशीष सर आ गए क्या? क्या बात है बड़ा, क्या बात है? अरे जाट साहब वी वांट आशीष सर का झंडा काहे करो बड़ा? पहला जो चैप्टर था, पहले चैप्टर में अच्छे बोलते, बट कौनो दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो एक चैप्टर, आपको मुझसे भी प्यार हो जाएगा, ठीक है? कैसा एक्स से मूव ऑन करना थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है? लेकिन एक बार मुड़ा तो ऐसा हो जाता है कि ये वाला पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है? चिंता मत करो, थैंक यू वेरी मच, सी ऑल टुमारो, बाय बाय। सर पीछे के बैकलॉग बहुत है, आज से स्टार्ट करें बेटा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा उससे स्टार्ट करो, है ना? तुम्हारा यही है, ठीक है? चल भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, सी यू टुमारो, लव यू। सर नंदिनी स्पेलिंग सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा नंदिनी, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय। मॉड्यूल से पढ़ाने वाले हो क्या? यस बेटा मॉड्यूल से पढ़ाएंगे, गेमिंग विद ईशान, लव यू। तृप्ति बोल रहे हैं सर मोहित सर मस्त पढ़ाते हैं, जार साहब बोल रहे हैं स्कैम बेटा, चिंता मत करो तृप्ति जी, बेटा तुम चिंता मत करो, एक बार चैप्टर स्टार्ट होगा ना ये सारे बच्चे भी मुझसे प्यार करेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय बेटा, बाय। टेस्ट योरसेल्फ बेटा, सब करेंगे, चिंता काहे करते हो, सब करेंगे बेटा। वेलकम सर, लव यू बेटा, लव यू।